वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों आप से देख रहे हो पंजाबी बॉक्स ऑफिस और आज हम बात करेंगे तीन मूवीज़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिन्हें पहली मूवी है सौंकण सौंकणे जो कि जिसका कलेक्शन अराउंड एंड हो चुका है, और दूसरी मूवी है पोस्ती और तीसरी मूवी है लवर। उस मूवी के सिर्फ आपको कुछ एक्सपेक्टेशन बताऊंगा फर्स्ट डे की, तो स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं एक हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सौंकण और सौंकणे मूवी के बारे में। इस मूवी का कलेक्शन रिकॉर्ड ब्रेकिंग था और बता दूं ये पंजाबी इंडस्ट्री की दूसरी या तीसरी बड़ी मूवी बन चुकी है ऑलरेडी, और इस मूवी का कलेक्शन अराउंड एंड हो चुका है, लेकिन मूवी कलेक्शन अगर हुआ भी तो 1-2 लाख और हो जाएगा। तो डायरेक्ट बात करते हैं कलेक्शन की, तो इस मूवी का जो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक एक ब्लॉकबस्टर कलेक्शन था। मूवी का फर्स्ट वीक पहला हफ्ता कलेक्शन का है 16.50 करोड़, 16 करोड़ 50 लाख का, जो कि एक ब्लॉकबस्टर कलेक्शन था। सेकंड वीक कलेक्शन आया 8.37 करोड़, 8 करोड़ के ऊपर मूवी का सेकंड वीक कलेक्शन था सिर्फ इंडिया का जो नेट कलेक्शन है। थर्ड वीक कलेक्शन आया 4.13 करोड़ का, और इसी के साथ इस मूवी का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन बना 30.71 करोड़ का। बात करें इंडिया ग्रोस की, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन बना 35.49 करोड़, और ओवरसीज कलेक्शन भी ब्लॉकबस्टर कलेक्शन आया, खासकर कैनेडा और यूएसए के अंदर ओवरसीज कलेक्शन है 20.87 करोड़ का। इसी के साथ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बनता है 56.36 करोड़, ये इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। और बता दूं पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर तीन ही मूवीज़ है जिन्होंने 55 करोड़ का डिजिट क्रॉस किया है, चले मेरा पोत 2, सौंकण सौंकणे और कैरी जटा 2, और यही तीन मूवीज़ सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री की जिन्होंने 55 करोड़ का डिजिट क्रॉस किया, और इनमें अमी विर्क की ये पहली मूवी है जो कि पंजाबी इंडस्ट्री की जिसने 55 करोड़ का डिजिट क्रॉस कर लिया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम पोस्ती मूवी के बारे में, जिसके डायरेक्टर राणा रणबीर और प्रोड्यूसर गिप्पी गरेवाल हैं। हम्बल मोशन पिक्चर के अंदर बनाई जाने वाली ये फिल्म है। तो कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन एक ठीक ठाक कलेक्शन सामने आया है, लेकिन मूवी अगर संडे को थोड़ा पिकअप दिखाएगी तो कलेक्शन अच्छा और भी हो जाएगा। तो मूवी का जो फर्स्ट डे कलेक्शन इंडिया से रहा वो 0.35 करोड़ का नेट कलेक्शन रहा। तो 2 दिन का इंडिया का नेट कलेक्शन जो मूवी का बना हुआ है 0.80 करोड़ का, जो कलेक्शन इतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन मूवी ओवरसीज में स्ट्रॉन्ग जा रही है इंडिया के मुकाबले में। तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन है 0.92 करोड़ का, वहीं पर ओवरसीज़ कलेक्शन 1.50 करोड़ है, मतलब कि ओवरसीज़ कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से। तो मूवी ओवरसीज़ में हिट हो जाएगी, लेकिन इंडिया का अभी तक चांसेस नहीं दिख रहे हैं। अगर मूवी वीकडेज़ में कमज़ोर पड़ गई तो इंडिया में ये मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, लेकिन जब देखते हैं मूवी वीकडेज़ में कैसे जाती है। टोटल वर्ल्ड कलेक्शन बना 2.42 करोड़। तो अब बात करते हैं घुरी की अपनी मूवी लवर के बारे में। लवर का ट्रेलर भी आ चुका है, और लवर मूवी की हाइप इस वजह से बन चुकी है क्योंकि उसका एल्बम काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, उसमें जसमानक के सॉन्ग और इसमें ज़्यादा ही बनी है आतिफ असलम के सॉन्ग की वजह से। इस मूवी में आतिफ असलम का एक सॉन्ग होने वाला है, वो भी रिलीज़ कर दिया जाएगा अराउंड 24 जून को वो रिलीज़ किया जाएगा। तो उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लेकिन हमारे मुताबिक वो मूवी फर्स्ट डे के अंदर वर्ल्ड वाइड 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक का कलेक्शन आराम से कवर करेगी। और ये गुरी की कैरेट की तीसरी मूवी है, पहली मूवी थी सिकंदर 2 जो कि एक सुपर हिट हुई थी, दूसरी मूवी थी जट ब्रदर्स, वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी क्योंकि आज हम मेक्सिको चले एक साथ आई थी और वो मूवी सुपर हिट रही और ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। और अब थर्ड मूवी है लवर, जिसमें सिर्फ गिप्पी गरेवाल ही हैज़ अ हीरो है। पिछली दोनों ही मूवीज़ में मल्टी स्टारर मूवीज़ थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मूवी फर्स्ट डे कितना कलेक्शन करेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।